अस्सलाम वालेकुम मैडम अरफा, यू आर हेडिंग द पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड. तो थैंक्स फॉर कमिंग ओवर हियर. एंड माय क्वेश्चन इज दैट वन के बहुत सारे तो सवाल आते हैं, जैसे कि आपने प्रेजेंटेशन हमें बताई और चीज़ें बताई कि बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विच अट्रैक्टेड इज द स्पेशल जोन्स जो आप क्रिएट करना चाहती हैं. कैन यू एलेबरेट अबाउट दैट स्पेशल जोन्स के वॉट हाउ दे विल ऑपरेट एंड how it will be beneficial to the investors which are investing in Pakistan. जी बहुत शुक्रिया आप लोगों की, सबकी मेहरबानी कि आप सबने इतना अच्छा रिस्पांस दिया और छुट्टी के दिन हमें हमारे लिए टाइम निकाला. लेकिन ये हम सबके मुल्क सबके पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है. जहां तक ताल्लुक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, तो ये ऑलरेडी इन प्लेस आ चुके हुए हैं. इस वक्त पाकिस्तान में 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जो अंडर सीपैक प्रायोरिटाइज हुए हुए हैं. पंजाब के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन सीपेक का एक है, लेकिन अदरवाइज हमारे पास 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जो पंजाब में हैं. इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में हम स्पेशल इंसेंटिव्स दे रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान दे रही है, और इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स भी अपनी हैं. तो वी वांट टू क्रिएट दीज साइलोस के जहां पूरे मुल्क में अगर कोई कमी बेशी है तो वो इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ना हो. तो इन्वेस्टर्स आए, इन इकोनॉमिक जोन्स को आबाद करें. इन इकोनॉमिक जोन्स में पाकिस्तान के जो एंडाउमेंट्स हैं, जो फैक्टर एंडाउमेंट्स हैं, उनको आगे लेकर चलें, हमारी लेबर को एंगेज करें, हमारे रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करें, और एक अच्छे बिजनेस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में क्लस्टर्स में आकर के काम करें जहां अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तमाम इंडस्ट्री मौजूद हो. जस्ट अ क्विक क्वेश्चन अबाउट दैट वन के जहाँ एज बीन ए फॉरेन इन्वेस्टर एंड ओवरसीज पाकिस्तानी, आई सी के हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इट कंटिन्यूसली चेंज. बीन एन इन्वेस्टर, अगर आज मैं पाकिस्तान जाता हूँ और मैं एक कॉस्टिंग करता हूँ कि मेरी ये कॉस्ट आएगी और इस पे मैं एक्सपोर्ट करूंगा, अनफॉर्चुनेटली द प्राइसिस ऑफ यू नो पावर्स चेंजेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी गैस. तो ये जो आप जिस जोन्स की बात कर रही हैं, will be there possibility that the prices will be fixed for this power? As of now, ऐसा provision नहीं है. Prices इस वक्त जो है वो ही चल रही है, लेकिन हम इन zones में ये ensure करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं कि लोगों को, investors को बिजली, gas और दूसरे infrastructure की चीजें मुहैया हो, उनको transportation की, उनको access की, उनको बिजली की और gas की problems ना आए. लेकिन जो आपका सवाल है regarding the tariff, नहीं, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ हमारे टैरिफ जो है वो चेंज हो. ओके, सेकंड थिंग इज दैट हाउ वॉज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टर्स जैसे हम जो दुबई में है, यू सी दैट वन विंडो सोल्यूशन है हमारे पास मौजूद हैं कि एक ही सिंगल पॉइंट के ऊपर हमें जो है लाइसेंस मिलता है, हमें लैंड मिलता है, और दैट इज द वन. सो वॉट अबाउट दिस स्पेशल जोन्स? इसमें मैं स्पेशल जोन्स के अलावा भी आपसे बात करूंगी. आपको ये सुनकर खुशी होगी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान ने 28 पोजीशंस जंप की हैं एक साल के अंदर, 2019 से 2020 में. जो 10 इसके 10-11 इंडिकेटर्स हैं उनमें से 7 इंडिकेटर्स पे पाकिस्तान हैज परफॉर्म वेरी वेल, विच इज अ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस. जहां तक इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ताल्लुक है, जिसको हम नेशनल से अलहदा करके देखेंगे, नेशनल का तो मैंने बता दिया 28 पोजीशन हमने जंप की हैं. इसमें हम दो लेवल पे काम कर रहे हैं, एक फेडरल और एक प्रोविंशियल, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो जरूरतें हैं वो फेडरल से होती हैं, लाइक बिजली है, लाइक गैस है, एससीसीपी की रजिस्ट्रेशन है, एफबीआर से रिलेटेड मामलात हैं, ये सब फेडरल के डोमेन में आते हैं. और बाकी जो बिल्डिंग है, एक्साइज है, कुछ और टैक्सेस हैं, ये हमारे प्रोविंस से रिलेटेड होते हैं. इसमें दो अहम चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी. एक तो ये कि फेडरल लेवल पर बीओआई ने एक मॉड्यूल बनाया है विच इज एससीसी एमआईएस मॉड्यूल. अब तमाम इन्फॉर्मेशन इकोनॉमिक जोन्स की जो है वो पाकिस्तान पूरे की वो इस मॉड्यूल पे मौजूद है. जिसने यहां पर अप्लाई करना है, जिस इन्वेस्टर ने, वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा ऑन दिस एससीसी एमआईएस मॉड्यूल, और वो जाहिर है कि फिर उसको ट्रैक किया जाएगा और उसको कोई बदल नहीं सकता उस इन्फॉर्मेशन को. तो एक ये बहुत अहम चीज है. दूसरी चीज, फेडरल लेवल पर एक वन विंडो भी अभी लॉन्च होने वाला है, जिसके अंदर तमाम इनकी जो जरूरियात है वो एक प्लेटफॉर्म से होगी. कमिंग टू द प्रोविंशियल लेवल, तो यहां पर हम इस वक्त 0 एनओसी पे बात कर रहे हैं. तो हमने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, मैं पंजाब की बात करूंगी, एक सेल बनाया है कि जो इन्वेस्टर आएगा वो इन्वेस्टर
अपनी तमाम एनओसी की रिक्वायरमेंट्स हमें देगा, हम इस सेल के थ्रू तमाम डिपार्टमेंट से उनको एनओसीज दिलवाएंगे। सो उस इन्वेस्टर को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शटल करे। तो ये हम इंशाल्लाह ताला ये एक्शन हो गया है, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये स्टार्ट कर दिया है अपने ऑफिस में और हमें बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू। इंशाल्लाह होपिंग द बेस्ट फॉर द पाकिस्तान और फॉर द पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड। इंशाल्लाह ताला। थैंक्स वंस अगेन।